ब्रिटिश हुकूमत काल के शिमला जिले के सबसे पुराने स्कूल की सूद लेने वाला कोई नहीं है। रामपुर मुखिया बाजार स्थित इस केंद्र प्राथमिक पाठशाला ने हालांकि सीमित संसाधनों के बावजूद भी निजी स्कूलों से छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही कारण है कि अब तक निजी नामी स्कूलों को छोड़ 100 से ज़्यादा छात्र इस सरकारी स्कूल में दाखिला ले चुके हैं। अब हालात ऐसे हैं कि ना तो छात्रों को सुबह की सभा में खड़े करने के लिए स्थान है और ना ही कक्षाओं के लिए कमरे। अभिभावकों ने ये समझकर स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाने शुरू किए कि स्कूल महत्वपूर्ण स्थान पर है, सुविधाएं भी उच्च दर्जे की होंगी। स्कूल में नर्सरी से पांचवीं तक करीब 350 बच्चे हैं। ऐसे में छात्र आसानी से लिख पढ़ नहीं पाते हैं। स्कूल में जलवाहक न होने से नर्सरी और अन्य छोटे बच्चों को पानी पिलाना भी मुश्किल हो गया है। अभिभावकों का कहना है कि सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए प्रयास तो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं दी जा रही हैं। कमल ने बताया कि सरकार की ओर से बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए जोर दिया जा रहा है। उन्होंने निजी स्कूलों से बच्चे यहां लाए हैं, लेकिन यहां बच्चों को बैठने के लिए स्थान नहीं है, खेलने के लिए मैदान नहीं है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में ज्यादा सुविधाएं हैं। एसएमसी प्रधान ने बताया कि बच्चों को बैठने के लिए स्थान नहीं है, फर्नीचर की कमी है, वहीं जलवाहक का पद भी पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द तमाम सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध करवाई जाए। केंद्रीय मुख्य अध्यापक बहादुर लाल ने बताया कि इस स्कूल की स्थापना 1929 में हुई है। उन्होंने बताया कि बच्चों की संख्या 312 है, लेकिन बैठने व मैदान की कमी है, साथ ही शिक्षकों की भी यहां पे कमी है। वहीं छात्रों ने बताया कि सुबह की सभा में खड़े होना मैदान में मुश्किल हो जाता है, कक्षा में बैठने के लिए भी स्थान नहीं मिलता है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पेंशन कल्याण संघ ने सोलन में राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया। इस आयोजन में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत हुए। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का राजीव बिंदल ने विधिवत शुभारंभ किया। वहीं संघ के पदाधिकारियों ने बिजली बोर्ड में लगातार कर्मचारियों की होती कम संख्या को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि अगर बोर्ड की कार्यप्रणाली को सुधारना है तो उसमें नई भर्तियां होनी चाहिए। इसके अलावा भी संघ की कई मांगों से विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पेंशन कल्याण संघ की मांगों को ध्यान से सुना और संघ के पदाधिकारी को कहा कि वे उनकी मांगों और सुझावों को सीएम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि संघ की मांगें पूरी हो सकें। औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से जहां एक और हिमाचल विकास की बुलंदियों को छू रहा है, वहीं इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसमें इन उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारियों जो कि हिमाचल के विकास की इबारत लिख रहे हैं, उनका डटकर शोषण भी हो रहा है। ऊंची रसूख रखने वाले उद्योगपति बिना किसी कानूनी डर के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गरीब और लाचार कामगारों का जमकर शोषण कर रहे हैं। गरीब असहाय कामगार जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, वे बकाया वेतन लेने के लिए ना तो जॉब छोड़ पा रही हैं और ना ही विरोध कर पा रही हैं और घुट कर जीने के लिए मजबूर हैं। आज इटक के बैनर तले उद्योग के बाहर नारेबाजी कर रोष प्रकट किया गया। महिलाओं ने दिल का दर्द जाहिर करते हुए रोते बिलखते हुए कहा कि वे 6 माह से वेतन न मिलने के कारण घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, बच्चों की स्कूल फीस और राशन उधार लेकर ही चलाया जा रहा है। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से इस पर कार्रवाई करें। इस मौके पर इटक युवा अध्यक्ष राहुल तनवर भी महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कामगारों के पक्ष में खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि वे किसी भी सूरत में महिलाओं के साथ शोषण नहीं होने देंगे। मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर जन आभार रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा ने न केवल
चारों संसदीय सीटों पर जीत हासिल की, बल्कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारी जीत दर्ज कर रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा को लगभग 70% वोट मिले, जो कि देश में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा को 15 लाख वोट प्राप्त हुए थे, जबकि इस बार पार्टी को 32 लाख वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय प्रदेश भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश व प्रदेश के लोगों ने देश की बागडोर पुनः पीएम नरेंद्र मोदी को देने का मन बना लिया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का 15 महीनों का कार्यकाल उपलब्धियों व सफलताओं भरा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा की अभूतपूर्व भारी जीत से चिंतित कांग्रेस नेता जनादेश को स्वीकार करने के बजाय अपनी हार का कारण ईवीएम को बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आश्चर्यजनक है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के दौरान ईवीएम बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब भाजपा ने जीत हासिल की तो कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम को दोषी ठहराया, जिससे कांग्रेस की दोहरी मानसिकता का पता चलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की भारी हार का एक कारण कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित और तर्कहीन आरोप लगाना भी रहा है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने इन टिप्पणियों को पूर्ण रूप से नकारा और भाजपा के पक्ष में वोट दिए हैं। इस अवसर पर सांसद रामस्वरूप शर्मा ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मंडी के लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि भाजपा को राज्य के सभी 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़त मिली है। उन्होंने कहा कि वह मंडी संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए अधिक समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे।